हे गाइस वेलकम टू बिजी कार्ड स्कूल। मैं होश वाखनुसे और यह है ब्लेंडर सीरीज। इन आज की वीडियो में सीखेंगे लाइटिंग का वर्क फ्लो एंड रेंडर के सेटिंग्स। तो चलिए चलते हैं हम अपने एप्लीकेशन में एंड सीखते हैं लाइटिंग एंड रेंडरिंग। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि मॉडलिंग कैसे करना है एंड उसके बाद के वीडियो में हमने देखा कि मटेरियल कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर जो मटेरियल मैंने अप्लाई किया है उसे कुछ इस तरह से मैंने नोड को ऐड किया हुआ है। सिर्फ एक ही नोड नया है जिसका नाम है मैजिक टेक्सचर। इस टेक्सचर की वजह से आप नॉइस का जो टेक्सचर है उसे आप स्केल इन स्केल आउट कर सकते हो और उसे एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्टॉर्शन है तो डिस्टॉर्शन का वैल्यू को अगर मैं मिनिमम कर दूँ तो आप एक स्ट्रिप्स का डिज़ाइन को क्रिएट करना चाहो तो वो डिज़ाइन आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो सिर्फ एक ही नोड यहाँ पर आया एंड कलर रैंप में से एक नोड जो बम्प का दिया हुआ है जिसका स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर दिया हुआ है। खैर आज के वीडियो में हमें देखना है कि लाइट कैसे करना है, कैमरा कैसे ऐड करना है एंड रेंडर सेटिंग्स कैसे करना है और रेंडर कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करो एंड लाइट में चले जाओ। यहाँ से फोर टाइप्स की लाइट्स हैं। आप पर्टिकुलर कोई एक लाइट ऐड करके उसमें से बाद में अगर लाइट का शेप आपको चेंज करना हो तो वो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अभी चाहिए एरिया लाइट तो मैं यहाँ पर एरिया लाइट को क्रिएट कर देता हूँ। एरिया लाइट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है उससे टॉप व्यू के अंदर। अगर मुझे यहाँ पर रियलिस्टिक आउटपुट चाहिए तो वो हम यहाँ पर व्यू पॉइंट शेडिंग है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं रेंडर शेडिंग के अंदर। रेंडर प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर ओपन करो। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स जो है वो अगर आप यहाँ से कर देंगे तो आप डायरेक्टली इसको रेंडर के लिए भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सैम्पलिंग दिया हुआ है उसमें है रेंडर का सैम्पलिंग 256 यहाँ पर इनफ है रेंडर के लिए। काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। व्यूपोर्ट जो है उसका 16 यहाँ पर सैम्पल दिया हुआ है उसको थोड़ा सा बढ़ा के 64 अराउंड कर देते हैं ताकि यहाँ पर नॉइस ना हो तो हमें अच्छी क्वालिटी मिले। जो लाइट हमने ऐड किया उसका इफेक्ट यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है तो लाइट जब भी ऐड करेंगे जब भी सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर लाइट का प्रॉपर्टी दिया हुआ है। लाइट के प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पर देखो फोर टाइप्स की लाइट्स है। आप जो भी चाहो यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हमें यूज़ करना है एरिया लाइट को। उसका कलर यहाँ पर है वाइट कलर चाहिए हमें। पावर जो दिया है उसे मुझे इंक्रीज़ करना है 5000 वॉट। ठीक है बाकी कुछ ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स नहीं है। बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी है। आप लाइट को स्केल भी कर सकते हो। शिफ्ट एस प्रेस करो एंड आपको जिस डायरेक्शन में लाइट को स्केल करना उस डायरेक्शन में आप लाइट को स्केल कर सकते हो। यहाँ पर स्पेस जी मुझे मूव करना है एंड शेडिंग में अगर चलते हैं हम तो लाइट के अंदर आपको यहाँ पर एक टारगेट पॉइंट मिलेगा। इस टारगेट पॉइंट से आप लाइट का डायरेक्शन सेट कर सकते हो। अगर आपको रोटेट नहीं करना है आप रोटेट करके भी कर सकते हो बट अगर आपको रोटेट नहीं करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली लाइट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर टॉप व्यू स्पेस जी मूव करते हैं इस डायरेक्शन में स्केल करते हैं लाइट को। अगर मॉडलिंग का और मटेरियल का प्रीवियस वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आप वहाँ से देख सकते हो। एडजस्ट करो आपको जहाँ पर भी चाहिए रोटेट करना है इसको रोटेट कर दिया। अब यहाँ पर तो ये टॉप साइड के अंदर है इससे डाउन डायरेक्शन में ले लिया एंड उसे मुझे मूव करना है कुछ इतना डिस्टेंस पे। अगेन रोटेट करो इसे तो जो टारगेट है उस टारगेट को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। लाइट का फाइनल रिजल्ट हमें देखना है तो उसके लिए हम यहाँ पर रेंडर शेडिंग को ऑन कर देते हैं। अगर आपको और भी रोटेट वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। मुझे इसका थोड़ा सा इस डायरेक्शन में एंड थोड़ा सा ऊपर की साइड के अंदर रखना था यहाँ पर रख लिया। इस साइड से भी राइट साइड से भी मुझे एक और लाइट चाहिए। शिफ्ट ए गो टू लाइट्स एंड एरिया लाइट मूव करना है। मैंने इसे यहाँ पर मूव कर दिया जेड डायरेक्शन के अंदर स्केल करना है। यहाँ पर इसे स्केल कर दिया जितना भी चाहिए आप उसको स्केल कर सकते हो। मूव करना है मूव कर दिया एंड टॉप में से ही लेआउट में चले जाते हैं तो यहाँ से आपको अच्छे से विजिबल होगा। इस लाइट का पावर जो है वो बाय डिफॉल्ट 10 वॉट है उसको मैं कर देता हूँ अगेन 5000 एंड रोटेट करना है स्पेस बार एंड आर इसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। फ्रंट से देखते हैं ऊपर की साइड में जा रही है तो उसका टारगेट जो है
वो मुझे ऑब्जेक्ट के सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पर लाइट जो है वो ऐड हो चुका है। तो ये लाइट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से एंड राइट हैंड साइड से आएगा, तो इसका शेडो जो है वो दोनों के बीच में यहाँ पर आपको विजिबल होगा। तो ये लाइट सेट हो चुका है, तो यहाँ पर बेसिक शेडिंग में चले जाते हैं। एंड अभी मुझे टॉप व्यू से एक कैमरा को ऐड करना है, शिफ्ट ए प्रेस करो एंड यहाँ पर है कैमरा, एक ही कैमरा है, ऐड कर दिया। जी प्रेस करके उसे यहाँ पर मूव करते हैं। अभी इसका जो विजन है वो डाउन डायरेक्शन के अंदर है, तो मुझे इसको रोटेट करके यहाँ पर इस डायरेक्शन में चाहिए, तो फ्रंट में चले जाता है एंड यहाँ पर से मैंने रोटेट किया ऊपर की साइड में अंदर एंड थोड़ा सा राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसका विजन जो है कैमरा का वो यहाँ पर सेट हो चुका है। कैमरा की प्रॉपर्टी जो है वो जहाँ पर लाइट की प्रॉपर्टी थी वहीं पर ही आपको कैमरा की प्रॉपर्टी मिलेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। कुछ बेसिक सेटिंग्स है, उससे पहले मुझे कैमरा में से जो हमारा सीन जो दिखता है वो हमें देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले व्यू एंड व्यू पॉइंट कैमरा, तो इसे रोटेट करना है। तो अगेन मैं यहाँ से एक और व्यू क्रिएट करता हूँ एंड इसे अगर आप Y एंड Z या ऐसे कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आप यहाँ से सेट कर सकते हो कैमरा को इजीली। तो ये रोटेशन जो था वो मुझे कुछ इस तरह से चाहिए, सही। एंड मूव करना है कैमरा को, तो थोड़ा सा मैं इसे ऊपर की ओर ले गया ताकि जो नीचे का फ्लोर जो है वो आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। इसे रोटेट करना है अगेन डाउन साइड के अंदर, थोड़ा सा उसे जूम आउट करना है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ जूम आउट कर दिया एंड इसे मुझे थोड़ा सा एंगल को सेट करना है। तो ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेट किया है ये रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से सही है। अगर मैं ये जो फ्रेम है हमारा, इस फ्रेम का साइज जो है वो आप रेंडर सेटिंग्स में से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है रेंडर सेटिंग्स, रिजोल्यूशन जो है 1920x1080 लिया हुआ है, परसेंटेज 100%, ताकि जो साइज हमने यहाँ पर डिसाइड किया है वो साइज का ही हमें आउटपुट मिले। तो ये इस साइज के हिसाब से अगर हम वर्टिकली इसे दो बार और हॉरिजेंटली दो बार अगर डिवाइड करें तो यहाँ के जो फोर बॉक्स जो बचेंगे वो है रूल ऑफ थर्ड, जिससे आपका ऑब्जेक्ट एक पॉजिटिव स्पेस के अंदर आपको विजिबल होगा। अगर देखो मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ, जैसे कि कैमरा सेटिंग से भी हम इसे मूव कर सकते हैं, तो ये आपको एक नेगेटिव स्पेस लगेगा यहाँ पर जो स्पेस बचेगा वो। इसीलिए जो अगर रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से यहाँ पर अगर आप रखते हो ऑब्जेक्ट को तो काफ़ी अच्छे विजिबल। यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कैमरा जो है वो ऐड हो चुका है, एंगल जो है वो परफेक्टली सेट हो चुका है, अब सिर्फ हमें देखना रेंडर को। तो रेंडर के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सैम्पलिंग के अंदर व्यूपॉट के अंदर 64 रखा हुआ है एंड रेंडर में 256, ठीक है। अगर ये 256 काफ़ी अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। रेंडर इंजन जो है वो फिलहाल हम यूज़ करेंगे ईवी को, काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी फास्ट रेंडर आपको यहाँ पर मिलेगा। एम्बियंट ऑक्लूजन को ऑन कर दो, जिससे आपको एक ऑब्जेक्ट एंड दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर एक डेप्थ मिलेगा, एक आपको शेडो मिलेगा, कॉन्टेक्ट शेडो जिसे बोलते हैं, तो उससे एक परफेक्टली डेप्थ क्रिएट होती है। एंड ब्लूम जो है उसे ऑन कर दो, जहाँ पर लाइट ज़्यादा थ्रो होती है उस पार्ट को वो थोड़ा इल्यूमिनेट करेगा। एंड यहाँ पर स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन कौन कर, अगर देखो ये ऑफ रहेगा तो यहाँ पर ये फ्लोर का जो रिफ्लेक्शन है ऑब्जेक्ट के एक दूसरे के ऊपर जो रिफ्लेक्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पर स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को ऑन कर दो। एंड यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह काफ़ी और भी जो सेटिंग्स है वो हम बात के आने वाले वीडियो के अंदर डिटेल में देखेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पर इन तीन को ऑन कर देना है, एम्बिएंट ऑक्लूजन, ब्लू, स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को। रेंडर के जो सैंपल है वो 256 रखो, उससे ज़्यादा भी रख सकते हो आप। एंड उसके बाद जो सीन जो है उसका डायमेंशन जो है 1920x1080 रखेंगे, परसेंटेज 100, तो फाइनल आउटपुट हमें इसके अंदर और कुछ भी चेंज नहीं करना है। कैमरा सेट हो चुका है, जस्ट प्रेस करना है F12 एंड यहाँ पर
ये हो गया रेंडर। तो रेंडर हमारा यहाँ पर परफेक्टली हो चुका है। लाइट को प्लस माइनस करना हो तो आप कर सकते हो। इवन आप फोटोशॉप वगैरह जैसे पोस्ट प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप लाइटिंग को एडजस्ट करना चाहो, कलर को एडजस्ट करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको टाइम जो है रेंडर का वो टोटल 7 सेकंड के अंदर हमारा रेंडर कंप्लीट हो। तो ये हमारा फाइनल रेंडर है। आज की वीडियो में हमने देखा बेसिक्स ऑफ लाइट, लाइट को कैसे सेट करना है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखी, कैमरा ऐड किया उसकी प्रॉपर्टीज देखी, रेंडर की प्रॉपर्टीज देखी एंड डायमेंशन वगैरह देखा एंड हमने फाइनली उसे रेंडर किया। तो एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना के उसको लाइट अप्लाई करके, लाइट सीन को लाइट करके एंड उसको रेंडर कैसे करना है वहां तक का प्रोसेस हमने यहाँ पर देखा। आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।